मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव की भागदौड़ के बीच कांग्रेस ने आज 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर की राजधानी इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा इम्फाल के निकट थोबल से शुरू हुई है और इसका अंत मार्च में मुंबई में होगा। मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस का प्रयास बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लोकसभा चुनाव में विमर्श के केंद्र बिंदु में लाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई, इसके बाद इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है तथा ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ निकाली जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने थोबल में खोंगजोम युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका उद्घाटन 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। यात्रा शुरू होने से पहले मणिपुर के इम्फाल पहुंचने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आज मणिपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वह मणिपुर नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने आपसे गले लगने नहीं आए। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं, तब वे नहीं आते। वे राम राम करते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये वो जनता के साथ ना करें। वोट के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो है मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में है तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से हो गई है, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरह ये यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाली है। पूरी यात्रा में 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए ही कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर दिन 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे हर दिन समाज के विभिन्न वर्गों के 20 से 25 लोगों से मिलेंगे। वे सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। अगले 11 दिन के दौरान यात्रा पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। आपको बता दें, राहुल गांधी 23 जनवरी को घोषणा पत्र के सिलसिले में गुवाहाटी में लोगों से जनसंवाद करेंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है और उसे उम्मीद है कि अलग अलग राज्यों में इस गठबंधन से जुड़े दलों के प्रमुख नेता यात्रा का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस यात्रा के साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसती हुई दिखाई दे रही है।
हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।